अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोग भी ठीक हैं आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह पाक के करम से। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं वो मिर्ची वाला नहीं खाना पसंद करते, तो ये उनके लिए है। ठीक है, ये रेसिपी उनके लिए है। तो मेरी बेटी भी 7 साल की माशाल्लाह से हो गई है, लेकिन अभी तक वो मिर्ची वाला बिल्कुल नहीं खाती और बाहर का खाती है। यही कि जैसे बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, और इसके अलावा मैगी वगैरह हो गई, तो ये सारी चीज़ें खाती है, लेकिन घर का जो है बहुत ही कम खाती है। और मैं उसको इतना मतलब डांटती हूँ, डांट डांट के खिलाती हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि मैं उसके लिए ये रेसिपी बनाऊँ और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो ये मैंने बनाई थी, इसको बहुत पसंद आई थी, तो उन्होंने मुझे खुद कहा फिर कि मम्मा जो आपने लास्ट टाइम बनाई थी वैसा मुझे बना के दीजिए। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी ये इसकी रेसिपी शेयर कर लूँ, ताकि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो लोग भी इस रेसिपी को बना सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बराबर में बेल आइकन होगा उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए फिर आते हैं रेसिपी की तरफ। उसके लिए क्या कुछ चाहिए होगा, यहाँ पे मैंने ये 1/2 kg आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है और इनके मैंने 2 पीसेस कर लिए हैं जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और इसके अलावा ये प्याज मैंने ब्लेंड कर लिए हैं, ठीक है, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने। और यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट किया है 1.5 टेबल स्पून। और यहाँ पे दरमियाने साइज़ के मैंने 2 टमाटर लिए हैं, और यहाँ पर मैंने लिए है धनिया, पुदीना। और मसालों में क्या कुछ चाहिए, हल्दी ली है मैंने, और इसके अलावा ये ज़ीरा पाउडर लिया है, ठीक है, साबुत ज़ीरा लिया है, धनिया पाउडर लिया है, और यहाँ पर मैंने नमक लिया है। नमक तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आइए रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे चूल्हा ऑन कर लिया है और मिक्सी रख दी है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल। प्याज ऐड कर देंगे, प्याज का पेस्ट, ठीक है। इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक हम इसको भून लेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं कि हमारे प्याज जो हैं वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं, नज़र आ रहा है आपको कैमरे में। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें जो धनिया पुदीना हमने पीस के रखा है ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को 30 सेकंड के लिए भूनने के सारे मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हम इन सबको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और आप मसाले को जितना आप अच्छे तरीके से पकाएंगे उतना ही आपका सालन बहुत यम्मी और जायकेदार बनेगा। क्योंकि मैंने ओके, अब हम इसमें ये आलू भी ऐड कर देंगे। गैस पर तेल को हम कम कर देते हैं, और इन सबको अच्छे तरीके से हम इस तरीके से
हल्के हल्के हाथ से, ताकि आलू जो हमारे वो टूटे नहीं। इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि इसी मसाले में ही हमारे जो आलू हैं वो, वैसे तो ये बॉईल हुए हुए हैं, इसी मसाले में ही, मतलब इसमें ये है कि मसाला जो है आलू में भी अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, अब हम इसको कैप लगा के 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं आलू जो है वो बिल्कुल पक चुके हैं। अब इसमें हम धनिया भी ऐड कर देते हैं। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। यस फ्रेंड, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी स्पेशल बच्चों के लिए ये रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी दी, तो फिर हम हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हम सबको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।